तो क्या चल रहा है आजकल? तो क्या चल रहा है आजकल? क्या चल रहा है आजकल? कुछ भी। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आप सबका फेवरेट यूट्यूबर तो आज हम रोस्ट करने जा रहे हैं। अबे कुत्ते द फक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जब मैंने डकी भाई को देखना शुरू किया तो मुझे इसके बारे में सब कुछ पता लग गया, लेकिन मुझे ये नहीं पता लगा कि इसने अपने चैनल का नाम डकी भाई क्यों रखा, यानी इसको किस पागल कुत्ते ने काटा था, इसने कौन सी सस्ती चरस पी थी कि इसने अपना नाम डकी भाई रख दिया, नहीं इसको कोई और नाम नहीं सूझा। लेकिन जब मैंने इसकी ये वाली तस्वीर देखना तो मैंने कहा इसने सही नाम रखा डकी भाई, लेकिन मेरी ये सजेशन है अगर ये अपना नाम कुत्ता भाई रख लेता ना तो वो ज्यादा अच्छा था। और भाई साहब फ्रेम पाने के लिए ये भी करते हैं। मुझे हाय। देखो यार, ना ही मुझे टिकटॉक पसंद है और ना ही मुझे टिकटॉक ना पसंद है, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, लेकिन अगर एक बंदा टिकटॉक के मुझे रोस्ट करके टिकटॉक पे जाके ऐसी यकी मारता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ फ्रेम चाहिए। अगर एक बंदा यूट्यूब पे टिकटॉक को रोस्ट करता है और टिकटॉक पे वीडियो अपलोड करता है तो भाई फिर मारो मुझे। मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो। अब अगर आपकी ऑडियंस आपका रोस्ट देखने आती है और आप उसको ये दिखाते हो तो आपकी ऑडियंस ने तो आगे से कहना है ना, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ऊपर से आप लोगों ने जैद अली को चीखे मारने के लिए ऐसी बदनाम किया हुआ है। लेकिन यार कभी डकी की गेम प्ले भी फोकस किया करो। मुझे तो ये समझ नहीं आता, जब इसके घर वाले इसके लिए किसी लड़की का हाथ मांगने जाएंगे तो वो लड़की आगे से इसको देखे क्या कहेगी, ओह माय गॉड, आर यू डकी भाई, आई एम अ बिग फैन ऑफ यू। अब डकी भाई को फ्रेम इसलिए मिला होगा क्योंकि पाकिस्तान का पहला रोस्टर, लेकिन इसका कंटेंट सिर्फ और सिर्फ गालियां है, इसीलिए ये जल्दी पॉपुलर हुआ है। जब इसकी रोस्टिंग लोगों को बोरिंग लगने लगी तो उसने शाम इदरीस, शामीर अब्बास शाह और जैद अली के साथ कंट्रोवर्सी शुरू कर दी। और भाई साहब इंस्टाग्राम पे ऐसी तस्वीरें अपलोड करते हैं जैसे एक लड़का हो, उसने मैथ की तैयारी ना की हो और उसके बहुत जोर की आ रही हो और टीचर आते ही उसको आके कहें बेटा ये जरा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 जरा बोर्ड पे आके करिएगा। अब इससे तो शामीर अब्बास शाह कम से कम क्रिएटिविटी तो लाता है यार। तो गाइस डकी भाई की वजह से पाकिस्तान के तमाम छोटे रोस्टर सारी अपनी वीडियोस में गालियां यूज करते हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ कसूर डकी भाई का है, क्योंकि गालियों का ट्रेंड इसी ने चलाया था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे रोस्टर्स हैं जो अच्छी रोस्टिंग कर रहे थे, ठग्स ऑफ पाकिस्तान, खुजली फैमिली, सना बकेट। अब इस बंदे की शक्ल 30 दिन पुरानी मरी हुई ग्लेरी जैसी है, इस बंदे को दूर से देखो जॉन सीना की खब्बी पीनी लगता है। मुझे तो ये नहीं समझ आती जब इसकी शादी होगी तो अपने शादी वाले कार्ड पे अपना नाम लिखवाएगा या डकी भाई वर्ड्स नासिर खान जान लिखवाएगा। गाइस आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद है तो लाइक करो, हमारा चैनल सब्सक्राइब करो और इन कंटेंट क्रिएटर्स की बजाय सही कंटेंट क्रिएटर्स को सपोर्ट करो। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो यार। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चलो भाई।